यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कर लिया अपना हेलमेट के ऊपर गोप्रो सेटअप, और यहाँ पर है अपना गोप्रो, मैंने कर लिया अपना गोप्रो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है थोड़ा जल्दी में, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि मैं गोप्रो मंगा रहा था, तो वो गोप्रो आज फाइनली जनकपुर आ गया, तो वही गोप्रो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ जनकपुर। तो यहाँ पर अपना बाइक, तो फटाफट लेते हैं बैग एंड हेलमेट, चलते हैं फिर जनकपुर। बल्ले बल्ले गाइज, यहाँ पर अपना बैग एंड हेलमेट, तो चलते हैं गाइज फटाफट जनकपुर। आज ये लास्ट मोटो ब्लॉग है जो हेलमेट में मोबाइल लगाकर शूट कर रहा हूँ, इसके बाद तो आएगा गोप्रो में वीडियो गाइज, गोप्रो में होगा अपना वीडियो शूट। और बहुत ठंड पड़ चुका है, इसलिए मैंने जैकेट डबल डबल लगा कर जा रहा हूँ। तो गाइज चलता हूँ फटाफट। और यहाँ से हमारा गांव ख़त्म हो गया, इसके बाद आ गया भगवतीपुर। बल्ले बल्ले गाइज, अपने पास भी होगा आप गोप्रो। तो अभी ठंड बहुत बढ़ चुका है, और आप लोग घर से बाहर निकल रहे हो तो ठंड का कपड़ा पूरा लगा कर निकलना, बहुत ठंड है। तो यहाँ पर आ गए रेलवे क्रॉसिंग के पास, और गाड़ी है लोहर पट्टी। और अभी हम आ गए पररिया में, और अगाड़ी देख सकते हैं गाइज, लगता है ट्रैफिक पुलिस है। ओहो ट्रैफिक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा पास पूरा कागज पक्का है, मतलब लाइसेंस ब्लू बुक सब है, और मुझे रोकेगा। ओ गाइज नहीं रोका, चलो चलते हैं। मेरा बाइक का साउंड इतना ज़्यादा है कि मेरे से ज़्यादा मेरे बाइक का साउंड आ रहा होगा आप सबको। और यहाँ पर देखो ये लड़का कैसे घूर घूर के मुझे देख रहा है, मतलब और यहाँ पर देखो ऑफ रोड गाइज, फिर से आ गया ऑफ रोड। खत्म गाइज, खत्म, पूरा रोड ही खत्म है। सो हम आ गए जनकपुर, देख सकते हैं यहाँ पर जनकपुर हो गया एंट्री हमारा। तो आप फटाफट चलते हैं रूम पर, और रूम पर एक ब्रोदर है चंदन, उसको भी लेकर जाना है वहाँ पर। चलो तो फटाफट चलते हैं रूम पर। सो हम आ गए जनकपुर, देख सकते हैं यहाँ पर जनकपुर हो गया एंट्री हमारा। तो आप फटाफट चलते हैं रूम पर, और रूम पर एक ब्रोदर है चंदन, उसको भी लेकर जाना है वहाँ पर। चलो तो फटाफट चलते हैं रूम पर। और आ गए फाइनली हम रूम पर, देख सकते हैं गाड़ी रूम हमारा। अब चंदन रेडी हुआ है कि नहीं हुआ, चलो देखते हैं जाकर। सो गाइज मैं आ गया जनकपुर, और अभी रूम पर हूँ, तो अभी मैं उसको कॉल करता हूँ कि कहाँ पर उसका लोकेशन है, एंड हम चलेंगे, एंड यहाँ पर चंदन, हम और चंदन जाएंगे गोप्रो लाने के लिए।
तो उसको भी मैं कॉल करता हूँ, कहाँ पर उसका लोकेशन है, इसके बाद चलेंगे गोप्रो लाने के लिए। तो मैंने उससे बात कर लिया और उसका लोकेशन है देवी चौक होटल आदर्श के पास में, कोरियर का ऑफिस उसी से मेरा सामान आ रहा है, तो वहीं पर फटाफट चलते हैं देवी चौक। और यहाँ पर देखो चंदन पूरा हो गया रेडी, तो चलते हैं गाइड्स। सो यहाँ पर अपना बाइक, चलते हैं गाइड्स गोप्रो लाने के लिए। और देखो गाइस अभी ठंड का मौसम है और यहाँ पर देखो सब लोग रोड पर घूरा फूक कर बैठे हुए हैं, जनकपुर में भी ठंड लग रहा है गाइस। और यहाँ पर देखो गाइस हम आ गए देवी चौक और यहाँ पर होटल आदर्श के पास उसका ऑफिस है, कोरियर का ऑफिस, तो वहीं पर अभी हम जा रहे हैं लोकेशन देख के। मुझे तो कुछ नहीं पता कि कहाँ पर है कोरियर का ऑफिस, क्योंकि फर्स्ट टाइम सामान मंगा रहा हूँ तो नहीं पता है कहाँ पर है नहीं है। तो आ गए हम कोरियर के ऑफिस में, देख सकते हो ऊपर, तो चलते हैं फटाफट अंदर। तो गाइस यहाँ पर देखो फाइनली आ गया अपना गोप्रो,
तो मैं देवी चौक से सीधा आ गया रूम पर और यहाँ पर अपना गोप्रो इस बैग के अंदर। तो फटाफट इसको आप खोलते हैं एंड चेक करता हूँ अपना गोप्रो कैसा है। चलो तो खोलते हैं। और इसके अंदर है आप इसके अंदर और यहाँ पर है अपना GoPro GoPro Hero 5 और यहाँ पर इसका चार्जर देख सकते हैं GoPro कंपनी का चार्जर। और यहाँ पर देखो फाइनली अपना GoPro आ गया अपना पास। चलो तो मैं इसको ऑन करता हूँ और देखो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पर इसका ऑन का स्विच फाइनली हो गया GoPro ऑन। देख सकते हैं यहाँ पर 91% चार्ज है और यहाँ पर इसका रिकॉर्डिंग का बटन। चलो तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हो रहा है शूट अपना GoPro से। हेलो गाइज, तो कैसे हो? अभी मैं GoPro से शूट कर रहा हूँ और इधर अपना मोबाइल और यहाँ पर अपना GoPro। चलो यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे हुआ शूट। तो यहाँ पर देख लिया अपना GoPro फाइनली काम कर रहा है। चलो तो फटाफट इसको अभी हेलमेट पर सेटअप करता हूँ GoPro सेटअप। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना हेलमेट और यहाँ पर मैं अगाड़ी वीडियो बना रहा था मोबाइल होल्डर लेकर, तब इसको खोल रहा हूँ और लगा रहा हूँ अपना GoPro। अब हेलमेट के ऊपर सेटअप कर रहा हूँ अपना GoPro। चलो तो फटाफट इसको मैं खोलता हूँ एंड सेटअप करता हूँ। अब इसमें सेट होगा कि नहीं होगा बट हो जाना चाहिए हेलमेट माउंट में। यहाँ पर हो गया सेट, देख सकते हैं मैंने कर लिया अपना GoPro सेटअप हेलमेट के ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पर। चलो तो मैं चलता हूँ छत पर एंड दिखाता हूँ ऊपर जाकर कि कैसे लग रहा है अपना हेलमेट पर अपना GoPro सेटअप। तो मैं आ गया छत पर और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेलमेट के ऊपर GoPro कर लिया सेटअप। तो मैं इसको लगा कर चेक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अपना GoPro। पहला मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था लेकिन अब मेरे पास आ गया GoPro। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो तो मैं वीडियो टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हो गया अपना वीडियो शूट। अभी GoPro से भी शूट हो रहा है और मोबाइल से भी हो रहा है शूट। गाइज आप लोग कमेंट करो कि अपना हेलमेट के ऊपर GoPro कैसा लग रहा है। तो ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ
नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और गोप्रो के साथ। तो जितने लोग इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।